नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे न्यूज राजस्थान में। आज सुबह की बड़ी खबर और हेडलाइंस लेके मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आरजे। जी हाँ, आज सुबह की बड़ी खबरों की बात करते हैं। जहाँ एक तरफ राजस्थान में गाँव की सरकार बनने जा रही है, गाँव की सरपंच किसके हाथ में होगी सरपंचाई, उस तरह की राजनीति गाँव में चल रही है। आप भी अगर ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते तो अपने वहाँ के सरपंचों के चुनाव की साझा जानकारी हमारे साथ जरूर करें। तो सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीणा के सरकारी बंगलों में रहने की मियाद आज खत्म हो गई है। बंगला खाली नहीं करने तक 10,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना। जी हाँ, बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है। जहाँ नियमानुसार बंगला खाली नहीं करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। क्या सरकार किरोड़ी मीणा व जगन्नाथ पहाड़िया की तरह इनसे बंगला खाली करवाएगी या राज्य की तरह देगी राहत? क्या है बड़ी खबर, आइए शुरू करते हैं हमारे इस सुबह के पहले वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे वही निवेदन कि आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का परिणाम है। जी हाँ, सरकारी बंगले को लेकर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीणा के सरकारी बंगले खाली करने की मियाद 14 सितंबर को पूरी हो रही है। इसके बाद नियमानुसार उन्हें बंगला खाली नहीं करने तक 10,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना पड़ेगा। ये तीनों अब सिर्फ विधायक है और विधानसभा के विधायक आवासों में ही रह सकते हैं। तीनों को 14 जुलाई को बर्खास्त किया गया था। नियमानुसार अब सामान्य प्रशासन विभाग के बंगलों में नहीं रह सकते, क्योंकि ये बंगले सिर्फ मंत्रियों के लिए ही आवंटित किए जाते हैं। इसमें सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह के बंगले सिविल लाइन्स में व रमेश मीणा का बंगला गांधीनगर में है। हालांकि राज्य सरकार ने ऐसे ही मामले में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राहत देने के लिए उनके बंगले समेत 4 बंगलों को सामान्य प्रशासन विभाग से विधानसभा के पूल में डाल दिया। विधानसभा पूल में ये बंगले उन नेताओं को आवंटित हो सकेंगे जो पूर्व सीएम, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे या फिर राज्य मंत्री और 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे, या फिर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और 2 बार विधानसभा सदस्य रहे, या फिर 2 बार सांसद रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2019 में पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली करवाने का आदेश दिया था। इसमें वसुंधरा राजे का सरकारी बंगला भी शामिल था। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने बंगला खाली नहीं करवाया। हालांकि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया से बंगला खाली करवा लिया गया था, जबकि वे भी पूर्व सीएम होने के नाते इन नियमों के दायरे में आते थे। इनके अलावा राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा से भी सरकारी बंगला खाली करवा गया। हालांकि जिन नियमों के तहत राज्य को विधानसभा पूल में बंगला दिया गया था, उनमें पायलट व विश्वेंद्र भी आते हैं। पायलट केंद्र में मंत्री, सांसद कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं व मौजूदा विधायक भी है। विश्वेंद्र सिंह भी 3 बार सांसद, 6 बार विधायक व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और मौजूदा विधायक भी है। लेकिन रमेश मीणा सिर्फ कैबिनेट मंत्री रहे और विधायक है, इसलिए विधानसभा पूल के नियमों में वे नहीं आते। हालांकि विधानसभा पूल में बंगला शामिल करने के लिए भी इन्हें सरकार के मामले में आवेदन करना होगा। जी हाँ, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज, ये जो तीनों मंत्री है जो कि जुलाई में बर्खास्त किए गए थे, अब सिर्फ ये विधायक है और नियम के अनुसार इन्हें विधायक आवास में ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप दर्शकों से हमारा यही सवाल, क्या इन्हें बंगला खाली करवा देना चाहिए, अशोक सरकार को ऐसा करना कहां तक उचित है, हमें अपनी राय जरूर दें। आगे नोटिस मिला तो 12 घंटा में खाली करा दूंगा बंगला। विश्वेंद्र सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री का कहना है कि मुझे अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है, मेरी सीएमओ से बात भी हुई है, वहाँ से भी मैं यही कहा गया किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं हो रहा है, फिर भी अगर नोटिस मिलता है तो मैं 12 घंटा में बंगला खाली कर दूंगा। जी हाँ, ये कहना है विश्वेंद्र सिंह जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री है और हाल ही में विधायक है। जी हाँ, आज सुबह की बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज राजनीतिक गलियारों से आ रही थी जो हमने आप तक पहुँचाई। तो कैसा लगा हमारी वीडियो दर्शकों, आप हमें कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा और आपका अपना प्यार ऐसे ही आज न्यूज राजस्थान के साथ बनाए रखिए। अगली वीडियो में बड़ी न्यूज के साथ, धमाकेदार न्यूज के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रखिए अपनों का ख्याल, आप खुद रहिए सुरक्षित। जय हिंद।